हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो ये है नंदिता डेली ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका। फिर से बोल दे रही हूँ। और अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड, तो मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने भिंडी आलू को पहले ही फ्राई करके रख लिया था, उसके बाद मैं प्याज भून के उसमें मसाले भून रही थी, उसके बाद भिंडी को उसमें ऐड करती हूँ। और ऑलमोस्ट सब भुना हुआ है, फ्राई है, तो मैं अब इसमें बस पानी डाल दूंगी सब्जी होने के लिए, पकने के लिए। तो मैं सब्जी थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ ताकि मेरा लंच में भी चल जाए। हालांकि मैं लंच के लिए अलग बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए अलग सब्जी बनाती हूँ, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। बट कभी कभी एक साथ बना ही देती हूँ दोनों टाइम के लिए भी। तो भिंडी ज़्यादा बना दे रही हूँ, शाम नहीं और सॉरी दोपहर के लंच के लिए भी चल जाएगा काम में। तो मुझे भिंडी कुछ खास पसंद नहीं है, फिर भी बनाना तो पड़ता ही है। तो देखिए फ्रेंड, हो गया सब्जी और हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। तो रोटी और सब्जी है, थोड़ा सा मिक्सचर ली हूँ और प्याज के कुछ टुकड़े हैं। तो आ जाइए गाइज, आप लोग भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने हमारे साथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चावल बना रही थी, तो ऑलमोस्ट मेरा चावल भी हो ही गया है, बस इसका मार पसा दूँ मैं। तो देखिए चावल हो गया है और इसका मतलब फ्लेम मैं कम कर दी हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं उबल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, इसलिए मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर दी थी गैस का। तो देखिए अभी मैं इसका मार निकालूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, खाना मेरा पूरी तरह से बन चुका है और अभी मैं नहाई हूँ। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ सिर्फ चावल दाल और आलू भिंडी की सब्जी है। तो कुछ सुना सुना लग रहा है क्योंकि मुझे भिंडी की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। तो मैं अभी जा रही हूँ आलू के पकौड़े बनाने, तो थोड़ा सा अभी बना लूँगी और फिर खाने टाइम बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ऐसे गोल गोल स्लाइस में आलू को कट कर लिया है और इसे बेसन में डिप करके और मैं इसे तेल में तलूँगी। तो चलिए मेरे साथ देखिए मैं कैसे बनाती हूँ आलू के पकौड़े। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में बेसन ले लिया है और उसमें थोड़े से मैदे मैं डाल रही हूँ। तो मैदा छन्नी से छानने रही हूँ, ये चाय छन्नी जी है छोटा वाला, क्योंकि इसे छानने के लिए फिर बड़ा थाली लाना पड़ेगा, नहीं तो जो आटा चालते हैं जिससे अगर छानते ना तो सब इधर उधर गिरने लगता है, इसलिए मैं चाय छन्नी में ही छान ले रही हूँ। हालाँकि मैदा एकदम फ्रेश था, देखिए पैकेट वाला मैदा में वैसे भी कीड़ा वीड़ा जल्दी होता नहीं है। तो मैंने मैदा और बेसन ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने नमक डाल दिया है और मसाले में मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाली हूँ और ये है जीरा पाउडर, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च डाली हूँ, कश्मीरी लाल नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं कच्चा मिर्चाई मतलब वही जो हरी मिर्च होता है वो मैं नहीं डाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाल पाउडर डाल दी हूँ मिर्ची का। और ये मैंने अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आ जाता है पकौड़े में। बस अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला के और इसमें पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी, ना खूब ज़्यादा पतला हो और ना खूब ज़्यादा गाढ़ा हो, बट ऐसा हो कि उसमें अगर आलू को डिप करें तो कोटिंग अच्छा से हो जाए आलू में। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे हाथ से ही मिला दे रही हूँ, मुझे सुविधा लगता है, आप लोग जैसा इच्छा ऐसे में मिला सकते हैं, चम्मच से भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा सुविधा लगता है इसलिए मैं हाथ से ही मिला रही हूँ। इसके बाद मैं आलू को उसमें डिप करके और ये देखिए मैंने तलने के लिए डाल दिया है तेल में और धीरे धीरे ये मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि मीडियम में भी जल्दी नहीं पक पाएगा क्योंकि कच्चे आलू है और मैंने स्लाइसेस थोड़ा सा मोटा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मोटा पर थोड़ा सा मोटा जैसा ही कट किया था, इसलिए मैं फ्लेम को कम कर दूँगी। हालाँकि तेल गर्म करने के लिए मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं फ्लेम को कम कर दी थी। तो देखिए मैं आलू के पकौड़े तल रही हूँ और सानवी को ये आलू के पकौड़े काफ़ी पसंद है, वो खाती है। और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी बार निकालना शुरू कर दिया, हालांकि धीरे धीरे खाने का भी टाइम हो गया, इसके पापा भी बोले कि मुझे भूख लग गई है खाना निकालो, तो 12:30 करीब हो रहा था तो मैंने एक साथ ही सारे पकौड़ों को तल लिया था। मैं सोची थी कि बाद में तलूँगी खाने टाइम, लेकिन बनाते बनाते खाने का टाइम हो ही गया था लगभग, तो मैं यहाँ सारे पकौड़े एक साथ में ही तल ली थी। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर पकौड़ा निकल रहा है और एकदम से फूल जा रहा था सारा पकौड़ा, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं गोलगप्पे की तरह गोल गोल एकदम से फूल जा रहा है और साइज भी उसी की तरह लग रहा था। तो और क्रंची भी हुआ था और काफ़ी टेस्टी हुआ था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था।
गाइस, गुड इवनिंग। शाम के अभी 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ चाउमीन बनाने। तो चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ बॉयल करके इसे रख लिया है और ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी क्योंकि वेजिटेबल्स कुछ नहीं है। बस सानवी जीत पकड़ी थी, उसे खाना है, तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही हल्का फुल्का प्याज और थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं बंधा गोभी है तो उसी को डाल के मैं बना दूंगी। तो उसके लिए तो बॉयल कर ली हूँ, अभी मैं फ्राई करूंगी इसे। तो सानवी को आने दीजिए, उसको देखिएगा कितने मजे से खाती है, वो कितना एक्साइटेड हो जाती है वो जब उसका कोई फेवरेट चीज़ बनता है उसके मन का। ये क्या बोलो? क्यों आ गई? आज जीत क्यों नहीं की? आज मैं तो भूत घर बन के नहीं हूँ, मम्मा का सारा बात सुनने नहीं हूँ। क्यों? आखिर बात क्या है? क्यों सुन रही हो मम्मा का सब बात? ट्यूशन से आई है? ऐसे तो ट्यूशन से आते के साथ ही रास्ता में भागने लगती थी क्योंकि दो चार बच्चे हैं जो बाहर साइकिल चलाते रहते हैं, तो ये भी रुक के चलाना स्टार्ट कर देती है, बैग भी रखने घर नहीं आती है। और आज ना एकदम आ गई है, वही बोल रही है कि आज मैं कोई जिद नहीं की हूँ, मैं घर आ गई हूँ। क्यों आई हो? आने का वजह तो बता दो, बोलो। क्यों आई हो आज? जिद क्यों नहीं की बाहर रहने का? बोलो सानवी। पापा कहाँ रह गए बेटा? ये क्या है? पहले नमक है, उसमें नमक रहता है। नमक? नमक दो तो नमक इसमें डालने की बेटा। पापा को छोड़ के आ गए बाहर? क्यों? देखिए मुझे स्पाइडरमैन बनना में बहुत। सॉस लिया था फ्रिज में से? क्या सॉस का बोतल लिया था? अभी सब करेगी जो बोले वही सब करेगी। तुम लेकर आओ। तो गाइस बन गया मेरा सिंपल सा चाउमीन। तो बस हम लोग शाम का हल्का फुल्का नाश्ता किया और उसके बाद हमने रात के खाने के लिए बनाया आलू बैंगन का सब्जी। तो ये देखिए मैं सब्जी अभी बना रही हूँ और रोटी बनाई थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही गाइस, कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।